हेलो फ्रेंड्स, श्री गणेश भोग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक की सब्जी। पालक की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। आज मैं जो पालक की सब्जी बनाऊंगी वो बहुत ही टेस्टी बनेगी, इसे बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। तो आप ज़रूर इस तरीके से एक बार पालक की सब्जी बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम पालक की सब्जी बनाना। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पालक ली है, मैंने एकदम कच्ची कच्ची पालक ली है। इसका जो पालक का डंठल रहता है वो मैंने निकाल लिया है। इसे मैंने अच्छे से दो तीन बार धो लिया है। अब हम इसे उबाल लेंगे। तो मैंने एक बर्तन में डाला है पालक को, धुली हुई पालक को डाल दिया है। अब हम इस पालक को जब उबालेंगे तो हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लो फ्लेम पर इसे उबालेंगे और जब ये उबलेगी तो पालक में काफ़ी पानी निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, लो फ्लेम की है मैंने गैस की। तो अब मैं इसको देखूंगी। देखिए, पालक उबल रही है, काफ़ी कम हो गई है। फिर भी हम इसको मिक्स करके फिर से उबालेंगे। तो अब हम फिर इसे ढक्कन लगा के रखेंगे, जिससे हमारी पालक अच्छे से, सारी पालक अच्छे से उबल जाए। तो फ्रेंड्स, हमारी पालक अच्छे से उबल चुकी है। हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था और आप देख सकते हो इसमें कितना पानी आ गया है। अब हम पालक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी पालक ठंडी होती है तब तक हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, कटा हुआ। अब हम 15 से 20 काजू लेंगे, जिसे मैंने भिगो के रखा था। मैंने 2 घंटे के लिए काजू को भिगो के रख दिया था। अब हम मलाई लेंगे, मैंने दूध वाली मलाई ली है। 15 से 20 मैंने लहसुन की कलियां ली है। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, ये दरदरा पिसा है मैंने। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर से इसको पेस्ट बनाएंगे। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। तो फ्रेंड्स, हमारी पालक ठंडी हो चुकी है। अब हम पालक को पीस लेंगे। पालक में जो एक्स्ट्रा पानी था वो हम साथ में नहीं लेंगे। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह का पेस्ट बनाया है। अब हम सब्जी के लिए तड़का तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। अब हम इसमें तेल गरम करेंगे। तो तेल हमारा गरम हो गया है। हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा डाला है, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 4 से 5 हरी मिर्च डाली है। अब हम इसमें 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज का कलर सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो प्याज का कलर अच्छा सा सुनहरा हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर लिए हैं। प्याज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम प्याज टमाटर को अच्छे से पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और इसे ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो टमाटर हमारा एकदम अच्छा से पक चुका है। अब हम इसमें पिसी हुई पालक डाल देंगे। तो मैंने सारी पिसी हुई पालक डाल दी है इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम पालक में अच्छे से उबाल आने तक इसे पकाएंगे। तो आप देख सकते हो पालक में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें काजू का पेस्ट जो हमने बनाया था काजू प्याज का, वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे, वरना जो पेस्ट है हमारा वो नीचे चिपकने लग जाता है, इसीलिए हम इसे हिलाते हुए पकाएंगे, मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी है वो ठंडी होके काफ़ी गाढ़ी हो गई है, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मेरी नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।